अल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खरीद दे नाल उसो ते मैं तो आपको आखिर पहली वीडियो है जी। ऐसा ऐसा सारी जिंदगी अपनी रूटीन बयान नहीं बनती है। अल्लाह ताला हर कहीं को अपने घर में खुश होकर शादो आबाद सियात दे नाल सुकून दे नाल रखे। बस माने के अभी चावल भी बड़े खादन से बाहर बढ़िया अभी तो हर चीज़ को हाथ के घर का टेस्ट हो गए। तो सब मेहरबानी करो सब बना लो वल बाल फरमाइश कर माँ प्यो और पिछे पेरे दे भर खड़ा थी कहते। चलो मैं कि इंशाल्लाह बड़े ने आए तो व्यूअर के नाल भी शेयर करे ने आए। तो चावल तो हर कोई सादे तरीके से अपने घर में तैयार करे ना प्यार ने असा भी उम्र बने दे पैसे आयल पाओ लसन पाओ प्याज पाओ लसन पाओ गोल्डन करो मुर्गी छटो गोश छटो चिकन छटो मटन छटो जेड़ी सादे बनाओ। पहले प्याज रसने को पीला करना पौने घ्यू श्यू सट के असा भी हूँ सादे तरीके से तैयार करने पे हैं। इंशाल्लाह बने दे पे बड़े ने वल खाने वल घर में को मज़ा ब्याह होंगे जरा मैं तो आखिर बंदा जितना भी बाहर का खावे चीज़ा घर के चीज़ों का एक ब्याह मज़ा होंगे। चावल अलहमदुल्ला सारे घर कला जहाँ भी हो चावल का टेस्टी बनते अच्छा बनते बहु असान तेज मिर्च मसाला तो नहीं खाते तो बारह चावलें टेस्ट अच्छा होता सारा। तो अज चावल रंगा तो थोड़ी नज़र आती कुछ मिसाले दी जरा डार्क तो मेरे बेटे को जो है ना आम जो सारे खा खेते यह है कि इतना पता है कि उन्हें जरा कलर है ना जरा ब्राउन हो ना वो ज़्यादा पसंद कर। मैं अज हूँ शक्ल वाले चावल बनाने पिया ब्राउन शक्ल वाले तो उन्हें वास्ते क्या होंगे थोड़ा जहा प्याज को गोल्डन को ज़्यादा डार्क करी तो चावल रंगा चेंज थी होती है। दम खोल लीते देखो माशाल्लाह बड़े सोने पहली दफा चावल खेने मेरे को नहीं पता नवा चावल कि थी सी घर में तो होंगे हर वाले बंदा एक ही दुकान को खिंदा रहा तो पता भी होंगे माशाल्लाह बहुत लंबा खुला खुला चावल थे ते कलर भी बहुत वाइट कह नहीं ज़्यादा डार्क ही कह नहीं फर्स्ट क्लास है। तो फिलहाल दम रख देनी ताकि गर्म रह वन ओवन है पिया मसला कोई नहीं चीज़ गर्म थी वेंदी है सर्दी भी है जल्द बालें का मूड बरसी खा गिन सर घर एक मरीज बंदा हो तो बाल जल वाले बताओ रेस्ट कर लेने मरीज तो फौरन बंदा उठी कहीं डेढ़ो को भी हाथ मार गिंदे काम को ते हम तैयार थे खन जल वेले दिल करे सी बाले का खा गिन सर चावल बना के रख लेते हैं हर कोई अपनी मर्जी से खाँदा रह के पा के जिमें जिमें कहीं भुख लगी है मासूम तरतीब न खा देने पिया। बहरहाल यह है कि घर मरीज हो खावना भी है पीवना भी है पावना भी है ते उन्हां दी देखभाल भी होंदी है ते कमजोरी भी बहुत ज़्यादा है उन्हें को उन्हें दी वजह कोलो पिछे बंदा थोड़ा डिस्टर्ब भी रहे वेंदे ज़हनी तौर ते तो अपने मूड को थोड़ा सही करने वास्ते बस अपने काम कार कोई लग पे बंदा चलो कुछ मसरूफ थी वो कुछ परेशानी घट कर दिए ते जहन हाली सही नहीं पिया थी ना जितने तक उन्हें बहुत होशियार हशाश बशाश ना देखूँ दुआ करो अल्लाह ताला सिया जाप करे इन्हें को खरिया दे नाल ते ताकि साकू जी थोड़ा रिलैक्स मिले तो इन्हें को देख के कमजोरी वीकनेस इन्हें तो साकू आप टेंशन फिक्र लगी रह वेंदी है। बस जिमें खाना तैयार किते चलो बंदा टेबल ते रख के खा गिने बाहे वजे रिलैक्स थी वजे बस वो चीज़ कह नहीं फिलहाल अल्लाह ताला खैर करे बाहे भी वेंदे हैं खा भी गिनते हैं तो अपनी मर्जी तो हर कोई पैदा खाँदा प्यार आते दुआ करो अल्लाह ताला इन्हें को
मजीद सिया जाप करे इन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी को लेके बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। जरा डी जरा रिलैक्स थी के अच्छी तरह के आप उठी बासन चंगी तरह तो ठीक थी के वाल थोड़ा जहाँ सकून सकून मिल सी। अल्लाह ताला अपना खास करम करे ये मैं आदन रात डी थी ने जिंदगी बंदे की जिंदगी बच ये मैं तकलीफों के नाल साझा पैदा थी ना राहत मिलती है सेहत मिलती है इंशाल्लाह असा ही उम्मीद है जिंदा है। अल्लाह ताला अपना करम करे तो सारे मरीज खुशी हजाब करे तो इन्हें नाल मैं खिंदी इजाजत अल्लाह हाफिज़।